जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक संपन्न हो गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जीएसटी के तहत कई नए बदलावों की घोषणा की गई, जिनमें आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अब भी चर्चा जारी है और उन्हें टाल दिया गया है। और इस बैठक के दौरान सबसे बड़ा फोकस टैक्स में राहत और कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर जीएसटी में कटौती पर रहा, विशेषकर स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों और धार्मिक यात्राओं पर। आइए इन फैसलों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी में कटौती की गई है। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत बड़ा फैसला कैंसर के मरीजों के हित में लिया। कैंसर की दवाओं पर लगने वाला जीएसटी अब 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इससे कैंसर से पीड़ित मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं की कीमत हमेशा से एक गंभीर मुद्दा रहा है और सरकार का यह कदम इस दिशा में एक स्वागत योग्य पहल है। कैंसर के उपचार में दवाओं की महंगी कीमतें एक बड़ी समस्या रही हैं और जीएसटी में यह कटौती उन हजारों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है जो लंबे समय से आर्थिक बोझ का सामना कर रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर सेवाओं पर भी जीएसटी में कमी की गई है। जी हाँ, धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर भी जीएसटी काउंसिल ने राहत दी है। पहले इस पर 18% जीएसटी लगाया जाता था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा उन तीर्थयात्रियों को मिलेगा जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। यह फैसला विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए बहुत राहतकारी है जो हेलीकॉप्टर सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करने वालों के लिए यह बड़ी राहत होगी और इससे यात्रा की लागत में भी कमी आएगी। नमक पर भी जीएसटी में कटौती की गई है। साथ ही नमक पर लगने वाला जीएसटी भी अब 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। हालांकि नमक का उपयोग हर घर में होता है और यह एक आम उपभोक्ता वस्तु है, लेकिन इसकी कीमत में जीएसटी की वजह से आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। इस कटौती से नमक के दामों में कमी आएगी और इसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ेगा। शैक्षणिक संस्थानों पर भी जीएसटी से राहत मिलेगी। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल ने शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों पर लगने वाले जीएसटी को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों को रिसर्च फंडिंग पर जीएसटी नहीं देना होगा, चाहे वह फंड सरकार से आए या निजी क्षेत्र से। यह घोषणा उस समय आई है जब पिछले महीने आईआईटी दिल्ली समेत कई प्रमुख संस्थानों के रिसर्च फंडिंग पर जीएसटी का नोटिस मिला था। इस पर काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद जीएसटी परिषद ने यह राहत देने का निर्णय लिया। बीमा प्रीमियम पर भी जीएसटी पर चर्चा हुई। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को कम करने पर भी चर्चा हुई। बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को लेकर यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसे अब मंत्रियों के समूह GOM के पास भेजा गया है, जो अक्टूबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट नवंबर 2024 में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी, जहां इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में संभावित कटौती से बीमा योजनाएं सस्ती होंगी और अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। ऑनलाइन पेमेंट्स पर भी बात कर लेते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स पर जीएसटी का मामला उठाया गया। इस बैठक में ऑनलाइन पेमेंट्स पर जीएसटी को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन इसे फिलहाल फिटमेंट कमेटी के पास भेजा गया है। ऑनलाइन पेमेंट्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते महत्व को देखते हुए इस पर जीएसटी का निर्धारण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। फिटमेंट कमेटी इस पर अपनी सिफारिशें देगी, जिसके बाद भविष्य में इस पर भी कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। अगर जीएसटी काउंसिल के फैसलों का व्यापक असर की बात कर लें, तो जीएसटी काउंसिल के ये फैसले न केवल आम जनता को राहत देने वाले हैं, बल्कि ये संकेत भी देते हैं कि सरकार जीएसटी की संरचना और भी सरल और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में काम कर रही है। विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में टैक्स में राहत देने के फैसले ये दर्शाते हैं कि सरकार उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी में कटौती हो या धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स में राहत, ये सभी कदम आम जनता के जीवन को आसान बनाने की दिशा में उठाए गए। इसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट्स और बीमा प्रीमियम पर भी जीएसटी जैसे जटिल मुद्दों को लेकर यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार भविष्य में इन मामलों पर भी उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान रखते हुए सुधारात्मक कदम उठा सकती है। तो फिलहाल जीएसटी को लेकर यही चर्चा हुई। आपको क्या लगता है कि ये फैसले आपकी जिंदगी पर कितना असर डालेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें सहारा समय के, समय डिजिटल के साथ।